हे गाइस, सामने खड़ी है जीप की मेरिडियन, और मतलब देखते हैं ये कितना पानी में तैरती है कितना नहीं। आज हम इसका सब कुछ ओपन कर देंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर आप इसकी चेक करो, ये एक तरह से कंपास ही है, बस 7 सीटर वेरिएंट है। और यहाँ पर आप चेक करो 18 इंचेस के, यहाँ पर आपको व्हील्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में, और आपको सिल्वर टच भी दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पर चलो इसका डोर खोलते हैं पिछले वाला। यहाँ देखो पूरा ब्लैक एंड कॉफी कलर का यहाँ पर आपको रहने वाला है इंटीरियर का थीम। ये ब्लैक पियानो फिनिश काफ़ी बढ़िया लग रही है यहाँ पर। और ये देखो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है भाई, लेदर अच्छी यूज़ की गई है। सबसे भाई मतलब कि यार इससे बढ़िया दो ही मत, 7 सीटर अगर देनी है तो अच्छा खासा स्पेस दो भाई, मेरा तो देखो यही मानना है। क्योंकि यार जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है उसका फिर फ़ायदा ही क्या है, ऐसे मतलब कि शौकबाजी के लिए थोड़ी लेनी है चीज़ें। सो आप सबसे पहले स्पेस चेक करो यहाँ पर हमें कितना स्पेस मिल जाता है। ये देखो मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट की हुई है, 5'11" मेरी हाइट है, और ठीक ठाक आपको स्पेस यहाँ पर मिल जाता है पिछली सीट्स पर। रियर यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं चार्जिंग पॉइंट्स के साथ। और ये देखो सेम डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो आपको कंपास वाला ही मिलने वाला है सारा कुछ इंटीरियर। और यहाँ पर आप चेक करो बस 7 सीट्स ऐड हैं, और कुछ भी इस गाड़ी के अंदर भाई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये तो बड़ा गजब का कर दिया है। प्राइस गाड़ी की 40 लाख रुपये है, मतलब कि भाई 40 लाख रुपये में क्या नहीं आता भाई। यहाँ पे आप इसकी टेल लाइट्स देखो, लंबी सी यहाँ पे बना दी गई हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं लिमिटेड, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख लो कैमरे की प्लेसमेंट नीचे। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं इसमें 4, फ्रंट में भी आपको यहाँ पर सेंसर मिल जाते हैं। अब सबसे मेन जो चीज़ है ना भाई वो ये है कि थर्ड रो में यहाँ पर कितना स्पेस है। तो सबसे पहली बात तो भाई चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है मेरे को तो हो रही है भाई, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 5'11" मेरी हाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको देखो बंद करूँगा भाई, स्पेस का तो एस भी नहीं है यहाँ पर, बंद हो गया है। देख लो पैर भाई चिपक गए हैं, मक्खी यहाँ पे घुसने की जगह नहीं है, मक्खी भी घुसने की। और थाई स्पोर्ट तो भाई एकदम ही मतलब हवा में मेरे झूल रहे हैं पैर, इतना गंदा है इसका थाई स्पोर्ट है। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स वगैरह देने, बस ये बच्चों को बिठाओ यार, छोटे छोटे बच्चे बैठेंगे, देखो हवा में देखो कैसे झूल रहे हैं। और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है एसी वेंट्स के ऊपर, देख लो यहाँ पर छत पर दिए गए हैं, जैसे कि तो ये बस है ट्रैवलर की, बट ऐसा नहीं है। और निकलना भाई सबसे बड़ी भाई बात है इसमें, मेरे को 15 मिनट लग गए निकलते। और यहाँ पर आप चेक करो इसका ड्राइवर साइड का डोर, फिट एंड फिनिश भाई काफ़ी बढ़िया भाई, देखो नो डाउट बहुत अच्छी है। एल्पाइन के स्पीकर का कोई तोड़ नहीं है भाई, एक नंबर के स्पीकर आपको मिलेंगे, मतलब इन चीज़ों में भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तगड़े लेवल की है। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपको सीट्स मिल जाती हैं, और लाइट्स आपकी सारी प्रोजेक्टर वाली LED रहेंगी। बट मेरिडियन का भाई मतलब कि 7 सीटर का होकर भी मतलब 7 सीट में फ़ायदा नहीं है, फिर क्या फ़ायदा यार ऐसी SUV का, आप मेरे को ये बताओ। पीछे पड़े तो कंपास ले लो यार, कम से कम बूट स्पेस तो अच्छा खासा मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर आप चेक करो 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स तो आपको मिल जाएगी, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको इसमें मिल जाता है, 10.25 इंचेस की यहाँ पर आपको इतनी बड़ी सी टच स्क्रीन मिल जाएगी, इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC के यहाँ पे बटन देख लो सारे, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मिल जाती है, और वायरलेस चार्जर आपको इस गाड़ी के अंदर दिया गया है लिमिटेड ऑप्शनल में। और यहाँ पर फ़ोन वगैरह भी आप रख सकते हो। इसका आर्मरेस्ट में स्पेस देख लो, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर सिल्वर फिनिश यूज़ की गई है, और यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स चेक करो, अच्छे खासा स्पेस आपको इस ग्लव बॉक्स में मिल जाता है देखने को, और पूरा सॉफ्ट टच यूज़ किया गया है। यहाँ पर लाइट्स आप चेक कर लो LED में आपको मिलेंगी, आपका ऑटो IRV में आप ये रहने वाला है, वैनिटी में आपको लाइट्स मिल जाती हैं दोनों तरफ में, और पैनोरामिक सनरूफ ऑफ कोर्स ही बात आपको मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। सो अब ज़्यादा टाइम देखो ख़राब करेंगे नहीं हम, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं और हमें बाकी गाड़ियाँ भी कवर करनी है फटाफट। रिक्वेस्ट सेंसर हमें मिल जाता है, छोटी छोटी बातें हैं, मेरिडियन यहाँ पर लिखा गया है। सो गाइज आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपको गाड़ी कैसी लगती है फ्रंट में, हाँ और बाकी मतलब कि थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पर आपको 360 कैमरा भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। भाई फ्रंट लुक इसका सारा ही भाई मैच करता है अपना कंपास से, सेम सी बात है भाई, कोई मतलब फ़र्क रहेगा नहीं इसमें। और यहाँ आपकी लाइट देख लो, मतलब काफ़ी स्लीक है और काफ़ी बोल्ड लुक है फ्रंट का। सो भाई सीधा फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि आप भाई आपको गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए या नहीं। तो देखो अगर ज़्यादा पैसा है तो आप कर सकते हो, बाकी आप कंपास ले लो, पैसे बच जाएंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।